सो हे वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ये ब्लॉग नंबर 7। तो चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं बाहर को। आज हम जा रहे हैं मालदेव। तो मैंने बोला था आपसे मालदेव तक के लिए, जैसे कि ऐसा हुआ आज कि आज हम भैया को, मेरी गाड़ी चलानी नहीं आती मेरे भाई को, तो उन्हीं को गाड़ी सिखाने जा रहा था मैं। तो पहले घर से गाड़ी निकाल लेते हैं, अपना डालते हैं बैक गियर एंड लेते हैं पीछे को। तो आज चलेंगे मालदेवता साइड। कोई एक मालदेवता साइड रोड है, एक स्टेडियम रोड है, उधर थोड़ी गाड़ी की टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, स्पोर्ट्स मोड लगाएंगे, हटाएंगे, बस यही है। और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, मैंने एक गाना लिखा था, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा का नहीं है, 1 मिनट कुछ सेकंड का है। जाओ वो गाना चेकआउट करो, फिर एक गाना और है, वो 1 या 2 दिन में आ जाएगा, उसकी थोड़ा कुछ काम चल रहा है उस पर। वो 31 या 31 सेकंड का गाना है, ज़्यादा का नहीं है। लंबे लंबे गाने नहीं आते मुझ पर लिखने, ना ही इतना सोच पाता हूँ। तो चलते हैं, दी अपने भाई को गाड़ी, ये हमारा छोटू, ये भी चलेगा हमारे साथ आज घूमने। तो गाड़ी चला रहे हैं हमारे भाई साहब, उनको थोड़ी आ गई है सीखनी, काफ़ी दिनों से सीख रहे हैं गाड़ी से, तो आ गई थोड़ी थोड़ी, पर घर के अंदर सावधानी इतनी इतनी खास नहीं आती जितनी आनी चाहिए। कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से, थोड़ी स्पीड में तेज़ कर दी ब्लॉक की। और गाना जरूर देना, गाना आएगा 5:15 पर 14 तारीख जनवरी 2024। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहा होगा, 6 या 7 बजे समथिंग ब्लॉग आया होगा ये, या उससे पहले आ सकता है, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम थी, लाइट वाइट भाग गई थी, तो वाईफाई नहीं चल पाया। यहाँ से हमने लिया लेफ्ट लिया था, और ये रोड है रायपुर की रोड, इधर हम जा रहे हैं गाड़ी चलाने। और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब करा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है ना, नीचे लाल रंग का बटन है, उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। जैसे कि आप लोग सभी साइड में देख रहे हो ना, ये पेंटिंग भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे डिज़ाइन किया है, जो कि ये हम जिधर जा रहे हैं ना, ये मिलिट्री एरिया, मतलब कि जो मिलिट्री की कंपनी वगैरह है, इधर एक ऑडियंस फैक्ट्री है, बहुत सारी फैक्ट्री हैं, इतना मुझे नाम याद नहीं है, इसी रोड पर देख दूँगा मेरी, मुझे जितना पता है, मुझे पता नहीं है, वो जो देख दूँ पहले वो कमेंट करना। ये देख दूँगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ये मुझे ऐसा लगता है, और नहीं लगता कोई बात नहीं, जिसे जिसको पता है सही सही, वो मुझे कमेंट करो क्या सही में देख दूंगा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है या नहीं, पर अंदर से बहुत सुंदर है। जिस किसी को इसका ब्लॉग चाहिए, मैं उसका भी ब्लॉग बना दूंगा, और एंजॉय करो भाई। हम शाम के टाइम गए थे, कल गए थे हम, 13 तारीख को गए थे हम, ये शाम के टाइम काफ़ी भीड़ थी, पर सही था। और हम अपने साथी बच्चे को लेके गए थे, जो कि मेरी दीदी का बच्चा है, हमारे साथ पीछे पीछे आ जाता है, ये भी घूमते घूमते हम पहुंच चुके हैं रायपुर। जो इसके इससे पहले वाली क्लिप थी मेरे पास, वो यार डिलीट हो गई, पता नहीं क्या हुआ, रिकॉर्डिंग नहीं हुई क्या नहीं हुआ, बहुत अच्छा व्यू था उसमें थोड़ा, पर वो डिलीट हो गया। गौ माता हमारी जो हो, गौ माता की निकालते हैं साइड को। ये रोड है मालदेवता की, जब हम पहले रायपुर रहते थे ना, तो इसी रोड पर आता था मैं नहाने, एक झरना पड़ता है थोड़े गाल पीछे इसके, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये थोड़ा हल्का सा आगे, हमें यहाँ शाम के टाइम आता था घूमने, और वैसे भी आता था घूमने सुबह और शाम, अच्छा लगता था यहाँ के। अब तो ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई, जब शुरू शुरू में आया था देहरादून 2005 या 2007 की समथिंग आया था, तो जब वो चीज़ खेती थी, जहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड पर गाड़ी खड़ी है ना, ये इधर की साइड नहर है, उधर ये देखो बोरा, उधर पानी के टैंकर वगैरह जाते हैं रायपुर के, और मोस्टली आसपास एरिया के ऐसे ही जाते हैं पानी टैंकर। मैं भी यहीं नहाने आता था, और जो मेरे दोस्त थे यहाँ के देहरादून के, भाई आप देख दूँगे जो मेरे दोस्त हैं ना, वो कमेंट करो यार, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं यहाँ पर आता था, एक लड़का है, मैं यहीं मुझे रैंडम ही मिला था, वो मेरा पुराना स्कूल मेट था भाई, अच्छा लगा तुझसे मिल के मुझे यार, फिर कभी मिलेंगे टाइम मिला तो, वो वक्त मिला तो, और बस कुछ नहीं। और हाँ गाइज, फिर बोलता हूँ यार, सब्सक्राइब करो यार चैनल को यार, सब नहीं बढ़ रहे यार, फैमिली बड़ी नहीं हो रही, ये फैमिली बड़ी करनी है हमें सब्सक्राइबर की, समझ गए? तो इसी बात पे लाइक और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों को यार, देहरादून वालों यार तुम तो कुछ करो, तुम्हें देहरादून की कसम है यार, उत्तराखंड की कसम है तुम्हें, तुम्हें तो करना ही पड़ेगा एक शेयर और सब्सक्राइब, तुम्हें दोस्तों से कराना पड़ेगा जल्दी फटाफट, लाइक कमेंट शेयर, तो एक कमेंट तो चाहिए चाहिए। और भाई सुन, ये लड़का और है कोई लड़का, तुझे बता रहा हूँ, बार बार फोन मत करे कर, ब्लॉग को देख एंजॉय कर, ठीक है दोस्त? बस मेरा भाई है यार वो, फिर भी बोलता हूँ यार, ऐसा डिस्टर्ब मत कर,
डिस्टर्ब होता हूँ मैं यार। कोई नहीं, चलते हैं हम लोग गाड़ी लेके और आगे को, फिर आगे से देखते हैं, यू टर्न भी लेंगे। और फिर बोलता हूँ, मैंने कुछ क्लिप बनाई थी, अच्छी अच्छी क्लिपें थी, वो सब क्लिपें डिलीट हो गई हैं। पता नहीं कैसे हो गई डिलीट, फ़ोन से डिलीट हो गई। जब क्लिप बनी ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं सही से क्लिप बनी नहीं या क्या नहीं हुआ, पर क्लिप हुए नहीं। और भाई जो ये व्यू है ना माल दप्टा वाला, अमेजिंग है यार, भयंकर अमेजिंग है, बहुत खतरनाक लुक है, ये व्यू है बिल्कुल। और यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, देखो सामने देखो, ये अभी नया हुआ है, मैं पहले आता था जब नहीं था, अभी नया खुला है पैराग्लाइडिंग का। ऊपर से पहाड़ों से, पता कहाँ से है इसका, ऊपर से है, ये नीचे आते हैं लेफ्ट साइड है। तो हम चलते हैं आगे भाई, जो ये लेफ्ट को रोड जा रही है ये भी काफ़ी अच्छी है, मैं एक बार गया था रोड पे, इस पर काफ़ी अच्छा व्यू है। देखते हैं और कभी गाड़ी से हम हो ही जाते हैं चलाने, मैं तो उस पर आती है भाई, भैया जाते हैं गाड़ी चलाने डेली, हम तो तभी निकलेंगे। और देखते हैं और क्या क्या व्यू है, और आप सभी लोग ब्लॉग को एंजॉय करो। हसीनी चेहरे मुस्कान की छा, जीवन किरण जीवन में छा, आशा की झलक घरों को मिटाया, हाथों में हाथ संगीत का नित, हंसी और रोंगट में जीते रहे हो, आशा को हराया डर को मिटाया प्यार। और यहाँ से लेते हैं, यहाँ से जो ये ना लेफ्ट को, ये सहजरा जाती है, उधर से सहजधार रोड से भी जा सकते हैं, जहाँ जिधर मैं रहता हूँ ये रायपुर रोड से भी सहजधार जा सकते हैं, और सीधा मिल जाती है मालदीप, मालदीप का पी पी सी एल मालदीप का, काफ़ी अच्छे हैं, झरने वगैरह हैं। अब यहाँ से लेते हैं पीछे बैग, जाते हैं काफ़ी आगे आ गए थे हम, अब वहाँ से जाएंगे हम वहाँ पर स्टेडियम में, तो मैं आपको काट कर देता हूँ क्लिप। यहाँ आ गए हम रायपुर चौक पे, ये नीचे जो चौक है महाराणा प्रताप, यहीं से ही मुड़ते हैं हम। हम जिधर को हरिद्वार जाना है, हरिद्वार भी हम इसी यहीं से जाएंगे, वो कहीं भी जाना, इसी के जाना है, शॉर्टकट है इधर का, हरिद्वार का भी शॉर्टकट कह सकते हो, थोड़ा ही पड़ता है, एक आध किलोमीटर मुझे लगता है फालतू है, पर टोल टैक्स से बचाते हैं इधर जाने से, ये महाराणा चौक से। और यहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल है राइट में, और आगे स्पोर्ट्स अकेडमी भी है, जिस किसी को नहीं पता वो देहरादून वालों को पता होगी, देहरादून वालों क्यों बताओ कमेंट करके, है या नहीं है। तो देखो काफ़ी यहाँ आता था मैं पहले, अब अच्छा लगता था यहाँ आना, अब तो काफ़ी बहुत भीड़ होगी भाई यहाँ, बहुत पहले तो बहुत अच्छा था, वो सुनसान रहता था, वो डर लगता था यहाँ पाने से, वो घर वाले मना करते थे भाई, बहन में लड़की अच्छी बैठी थी यार, एक बात तो है, कोई नहीं निकालते हैं जोक सपाट और चलते हैं आगे को। और मैं फिर बता देता हूँ, हमारा नया, मेरा नया गाने आने वाला है, मैंने ही लिखा है, मैंने ही कंपोज किया है वो थोड़ा, और आपको साउंड में पता नहीं चला किसकी है किसकी नहीं, पर हमारा ही है। और देखो यार ये ब्लॉग, वो ऑडियो तो आप, सॉन्ग तो आ चुका होगा ऑडियो में, अच्छा है सुनना, आप बताना कैसा है कैसा नहीं है, और अच्छा लगा कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करो यार, क्या फ़र्क पड़ता है ये कमेंट से आपको। कोई नहीं, चलते हैं हम, चलते हैं स्टेडियम, ये आ गई स्पोर्ट्स अकेडमी, और यहाँ से चलते हैं सीधा, बस यहाँ से थोड़ी ही दूर है ऑक्सफोर्ड वगैरह भी, वो स्कूल ऑक्सफोर्ड कौन सा स्कूल है, भी यहीं पढ़ता है ऑक्सफोर्ड, ऐसे कुछ पढ़ता है कॉलेज, स्कूल में पता नहीं है, नाम याद नहीं है, पर वो कॉलेज में यहीं पढ़ता है। और ये गाय माता भाई बहुत परेशान करती हैं भाई, सरकार बीजेपी सरकार कुछ तो करो, ये हमारे सचिन सर का फोटो, स्पोर्ट्स अकेडमी जो है, अरे राजा सर कुछ तो करो, धामी जी कुछ तो करो यार इन गाय माता का, कोई नहीं ये हट जाएंगी, चलते हैं धीरे धीरे, इनको वो नहीं होना, कष्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इनको, तो चलते हैं हटती नहीं थोड़ी देर में। गोरखा, अभी गोरखा गई है, देखो गोरखा गई थी ये भाई, मस्त मस्त है यार, देहरादून है ही, देहरादून की फीलिंग ही अलग है यार। ये हमारा छोटू है, ये बहुत शरारती है, बहुत दंगा करता है, इसे एक मिनट को शांति नहीं बैठा जाता, इसने ही मेरा, मुझे लगता है मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की इसके चक्कर में भाई, बहुत पसंद करता आगे बैठ के ये, बस थोड़ा ही रहेगा और चलते हैं जल्दी जल्दी, पीछे थोड़ा बहुत खिलाएंगे होंगे बस, ये थोड़ा खेला वो लगा, फिर बस गाड़ी लेके बैक, और ये बैक बस नहीं है, देखो आप जाम सा दे दिते हो, दे रहे हैं दर्द ते काते आ रहे
हाय रचता। अरे गाइस सॉरी सॉरी सॉरी, वो ऑक्सफोर्ड नहीं था, ओसिस था। मैं ओसिस, ये भी स्कूल अच्छा फेमस है, ये यहीं पड़ता है इस वाली रोड पे, और यहाँ से जाएंगे थोड़ा सा, थोड़ी ही दूर है बस, राइट एंड स्टेडियम। और एक बार इसमें मैच हुआ था अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, मैं एक ही मैच देखने आया हूँ यहाँ पर। और मैंने मैच देखे, टेस्ट सीरीज हुई थी, तीन मैच हुए थे जिसमें से अफगानिस्तान जीती थी दो मैच, शुरू के दो मैच अफगानिस्तान जीती थी, फिर लास्ट का बांग्लादेश जीती थी। मैं गया था खुद, पहला मैच देखा था इस स्टेडियम में, मैं जब सबसे पहले ये स्टेडियम खुला था, सबसे पहले खुला था, तो पहला ही मैच अफगानिस्तान और उसका था, तो वो ही देखा था हमने। और यहाँ पर काफ़ी इतनी भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और इसमें मैच चलते रहते हैं पर थोड़ा यंगर के चलते हैं, और अभी थोड़ा पिछले साल की समथिंग चला था इसमें मैच, सचिन तेंदुलकर वगैरह आया था खेलने, सचिन सर वगैरह और भी बहुत सारे थे, पठान साहब और बहुत सारे भी थे क्रिकेटर, वे सब आए थे खेलने, मैं तो नहीं आ पाया था, भाई आए थे मेरे भाई। यहाँ से देखो सनसेट का व्यू देखा आपने, नोटिस किया ना भाई, माइंड ब्लोइंग व्यू है। तो यहाँ से लेते हैं एक, ये सीधा ही सामने स्टेडियम है, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, जिस किसी को नहीं पता मैंने बता दिया है। और भाई तू मज़े ले रहे हैं ना, देखो भाई ये गाल छूने में बड़ा मज़ा आता है यार, बड़ा आनंद आता है इसको गाल छूने में। कोई नहीं चलते हैं, देखो और यहाँ पे सभी आते हैं, मतलब कि जो साइकिल से लेकर कार तक सभी आते हैं, ट्रक वाले नहीं आते कहीं आप ट्रक समझो, साइकिल से लेकर सब आते हैं गाड़ी सीखने, कुछ कार सीख रहे हैं, कोई साइकिल सीख रहा है, कोई मोटरसाइकिल, कोई स्कूटी वगैरह वगैरह जो भी है सीखते हैं। और तो डर भी लगता है कहीं कोई उड़ा ना दे या कोई ठोक ना दे, हमारी गाड़ी ना ठोक दे। और कुछ भी आते हैं सर्कस वाले, जिसे बोलते हैं गाड़ी वगैरह भगा रहे हैं आवारा लड़के, बस इधर से उधर को गाड़ी भगाते रहते हैं, उठा उठा के लेकर जाते हैं गाड़ी। बैंकर भाई क्या ही चल रहा है पे? ये पता है गाड़ी आती है तो यहाँ क्या झक मारने आ रहे हो, बच्चे चोट ले जाएगी, बच्चे भी आते हैं खेलने आते हैं यहाँ पे, स्टेडियम देखने आते हैं। यहाँ से हम लेते हैं बैग और लगाते हैं साइड में और थोड़ा बहुत इसे घुमाते घुमाते हैं। और देखते हैं कहाँ लगाए गाड़ी, कहाँ नहीं। अरे ये झटके बहुत हैं इधर, मैं ये थोड़ा सी ख़राब है, मैं जब मैच होएगा ना कोई तो इस बढ़िया हो जाएगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और लगा ही लगाते हैं साइड में, लेते हैं ऐसे रेप्ट थोड़ा, ये लगाते हैं गाड़ी क्योंकि यहाँ पर अच्छा है, साफ भी है और यहाँ गंदगी नहीं होती इतनी। देहरादून भाई जो भी देहरादून मत हो ना, अगर गंदगी मत किया करो भाई से। देखो मैं थोड़ी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ओ भाई ये इतना खुश हो गया हूँ उतर के, कभी कोई चीज़ फेंक रहा है, कभी कोई चीज़ फेंक रहा है, कभी कुछ मुँह में दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कोई नहीं मैं इसे इतना खिलाता हूँ, भगाता हूँ, दौड़ते हैं, मज़े करते हैं मामा भांजा मिलके। और आप सभी लोग इन्जॉय करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। हंसी चेहरे मुस्कान की छा, जीवन के रंग जीवन में छा, आशा की झलक घरों को मिटाया।